इंपॉर्टेंस क्या है पूरे नेशन को, पूरी सोसाइटी को, उनको क्या क्या फायदा मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप जब एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, राइट। आगे देखेंगे हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्निक। अब ये समझाने की जरूरत है, एक तो ऑब्वियस सा पॉइंट है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट और टेक्निक को डेवलप करता है, नई नई चीजें लाएगा। भाई एंटरप्रेन्योर को पता है कि कस्टमर को न्यूनेस पसंद है, राइट, उसको नई नई चीजें पसंद है, इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। तो जब भी, और उसको पता है कि एक एक चीज लोगों से बोर हो जाते हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट में इनोवेट करता रहेगा। 5 साल पहले जो प्रोडक्ट मिलते थे सेम एज इट इज आजकल नहीं मिल रहे, उनमें बहुत से चेंजेस आ गए हैं। वो किन की बदौलत आए हैं, दैट पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप की बदौलत आए हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्निक। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाता रहेगा, नए प्रोडक्ट इन्वेंट करता रहेगा और कस्टमर्स को एक्साइट करता रहेगा, एंटाइज करता रहेगा, पर्सुएड करता रहेगा, ताकि उनको नई से नई चीज मिले और उनको भी फायदा हो। भाई पैसे देगा एंटरप्रेन्योर के पास, पैसे आएंगे प्लस वैल्यू डिलीवर कर रहा है कस्टमर्स को, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप ये करता है आपके साथ, राइट, नए प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है मार्केट में। आगे देखेंगे बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि कोई स्टेट, कोई सिटी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई, कोई सिटी डेवलप नहीं रही, तो एंटरप्रेन्योरशिप उसके बीच के गैप को फिल कर देता है। जैसे रिच और पुअर के बीच का गैप है, उनको फिल करने के लिए गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम निकालता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, अगर जितने ज्यादा बिजनेसेस खुलेंगे, से फॉर एग्जाम्पल एक जगह है जो बहुत पॉपुलर है क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज है, दूसरी जगह है जो पॉपुलर नहीं है, इतनी एडवांस नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री नहीं है। जैसे इंडस्ट्री खुलती है वहां पर रोड की कनेक्टिविटी आ जाती है, वहां पर प्राइसेस वगैरह लैंड की बहुत चेंज हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर नए सोर्सेज आ जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, गार्डन पार्क्स वगैरह आ जाते हैं, तो कंट्री का डेवलपमेंट, स्टेट का उस स्पेसिफिक जगह का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बैलेंस ले आता है डेवलपमेंट में, एक जगह डेवलप्ड है दूसरी जगह नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर नहीं है तो एंटरप्रेन्योर उस जगह अपना बिजनेसेस खोलकर ग्रो कर उसको बैलेंस कर सकता है। तो दैट पर्टिकुलर पावर किसके पास है, एंटरप्रेन्योर के पास है कि स्टेट में, नेशन में, जगह में, कहीं पर भी जगह बैलेंस ले आए। एनकरेज रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। कोई भी अच्छा जो एंटरप्रेन्योर होगा वो कोई भी चीजें प्रोड्यूस करने से पहले प्रमोट करेगा रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। वो तुक्का नहीं लगाता है, क्या बोला मैंने, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तुक्का या ट्रायल एंड एरर मेथड यूज में नहीं लेता। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीजें बिना किसी रिसर्च के ट्राई कर ली, ठीक लगी तो चला लेंगे, नहीं लगी तो कुछ चेंज कर लेंगे, ये नहीं करता। क्योंकि अगर वो अच्छा एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर है तो वो रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, सब कुछ डाटा कलेक्ट करता है। आपने मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़े थे, जब पढ़ा होगा मार्केटिंग रिसर्च वगैरह, तो एक मार्केटिंग रिसर्च करता है एंटरप्रेन्योर, पॉजिटिव नेगेटिव देखता है अपने प्रोडक्ट के, कॉम्पिटिटर स्वॉट एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये सारी चीजें करता है। तो ये सारी चीजें किसको प्रमोट कर रही है जी, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट कर रही है। जिस भी नेशन में, जिस भी सिटी में रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन जहां पर प्रमोट हो रही है, वो कंट्री भी प्रमोट हो रही है, क्योंकि वहां पर अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कस्टमर्स को फुलफिल या उनके डिजायर नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनको राइट चीजें, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट स्टैंडर्ड में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बदौलत है रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की, और इसको प्रमोट करता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, या एक एंटरप्रेन्योर पूरा क्लियर। तो ये थे सिंपल से एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंस। आई होप आगे देखेंगे कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। अब मुझे ये बताइए, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस मतलब जो कि पहले से काम कर रही है, ऐसे बिजनेसेस जो पुराने टाइम से चल रहे हैं, अगर वहां पर आप जैसा कोई नया बंदा जिसने ईडीपी मुझसे पढ़ी है, किसी और से पढ़ी है, मैनेजमेंट किस मुझसे पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है, वो बंदा जाकर एक नई एंटरप्राइजेस या पुरानी एंटरप्राइजेस को हैंडल करेगा, तो उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। मेन चीज क्या है, जितनी ज्यादा आपको एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस नॉलेज होगी, तो आप पुरानी जो इतनी प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, अगर उनको भी आप रन करोगे, उनका हैंडओवर अगर आपको दे दिया जाए, इसलिए आजकल बहुत से पब्लिक सेक्टर चीजें बंद हो रही है, बैंक्स वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह बंद होके उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, ताकि वो इफेक्टिवली रन कर सके। समझ में आ रहा है? तो एग्जिस्टिंग जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर रन कराएगा और उनको भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर बना देगा। तो ये फायदे हैं किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के, कि एक नई बिजनेसेस तो खोलेगा, प्लस पुराने जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी रिवाइव करेगा। द टर्म इज कॉल्ड रिवाइव करना, राइट। आगे देखेंगे हेल्प इन सोशल चेंज। सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में चेंजेस कैसे आता है, वहां के जी लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है तब आता है, बिल्कुल ठीक है।
वहां के लोगों की इनकम लेवल जब इंक्रीज होता है, ठीक है, वहां के लोगों को नौकरियां मिलती है, ठीक है, वहां के लोगों को चॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है, अलग अलग चीजें चूज करने का फ्रीडम मिलता है, एनवायरमेंट अच्छा होता है, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होते हैं, सोशल चेंज आ रहा है। ये कौन लाता है सारे सोशल चेंजेस? एंटरप्रेन्योर लेके आता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस को जब चलाता है, वो बिजनेस जब ग्रो करता है, नौकरियां प्रोवाइड करा रहा है, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करा रहा है, चॉइसेस प्रोवाइड करा रहा है मार्केट में, तो ये सारी चीजें सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम जो करता है वो एंटरप्रेन्योर करता है। देखेंगे प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। एक एंटरप्रेन्योर भी कैपिटल फॉर्म कर पा रहा है, हो सकता है उसने जब स्टार्ट करा हो सिर्फ 1 लाख रुपीज से स्टार्ट करा हो, क्या 10 साल बाद भी सक्सेस होने के बाद भी 1 लाख रहेंगे? नहीं, करोड़ों रुपए कमाएगा वो। एक इंडिविजुअल को भी उसको भी फायदा हो रहा है, प्लस उस नेशन को भी फायदा हो रहा है, उस कंट्री को, उस सिटी को, उस स्टेट को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू के सोर्सेज उन स्टेट और सिटी और नेशन के भी बढ़ रहे हैं, टैक्स के रूप में उनके पास भी पैसा जा रहा है, प्लस वेलफेयर एक्टिविटी जो इंडस्ट्री या बिजनेस कर रहा है वो तो आपके बेनिफिट के लिए। सीएसआर का प्रोविजन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके थ्रू 2% हर एक फर्म को, जो इसका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट है, अगर आप इतना टर्नओवर थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 2% देना पड़ता है, तो बेनिफिट तो है ही आगे, राइट। हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान। अब गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है? देखिए गवर्नमेंट जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? द टर्म इज कॉल्ड इंप्लीमेंट। गवर्नमेंट प्लान करती है, पॉलिसीज बनाती है, एग्जीक्यूशन का काम या इंप्लीमेंटेशन का काम बिजनेसेस करते हैं या हेल्प करते हैं बिजनेसेस गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसको पब्लिक तक पहुंचाने में, पब्लिक को समझाने में, पब्लिक को इंप्लीमेंटेशन का रास्ता या तरीका बताने में, राइट। तो हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान, इसलिए गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज की हेल्प लेता है, बिजनेसेस की हेल्प लेता है, अपनी स्कीम को, अपने आइडियाज को, अपनी पॉलिसीज को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने बजट मेथड्स को, अपनी टेक्निक्स को बिजनेसेस के थ्रू कस्टमर्स तक बताने में हो रहा है, क्लियर। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अब मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, राइट। मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, कोई भी इकोनॉमिक ग्रो कैसे करती है? इकोनॉमिक ग्रो ऐसे करती है जब वहां के लोग की जो नेशनल इनकम है या एवरेज इनकम है वो बढ़ती है। एवरेज इनकम कैसे बढ़ेगी? जब वो ऐसी जगह नौकरी पे जाएंगे जहां पर उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, राइट। एम आई राइट? तो यहां पर क्या हो रहा है, जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, आपका खुद का बिजनेस चलेगा, एक प्राइवेट में जो बंदा किसी के अंडर में नौकरी कर रहा है या एक बंदा एक जॉब कर रहा है, राइट, वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा या एक बिजनेसमैन है जिसका खुद का बिजनेस है? आप सब एग्री होंगे कि बिजनेसमैन ज्यादा पैसे कमा पाएगा, तो एंटरप्रेन्योर एक वही तो है। जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे सोसाइटी में, नेशन में, कंट्री में, स्टेट में, उतना ज्यादा उसके डेवलपमेंट के लिए बेटर है। जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेगी, जितने ज्यादा बिजनेसेस खुलेंगे, इतनी ज्यादा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर पाएगी, अच्छी अच्छी चीजें मिल पाएगी, वेरियस चॉइसेस मिल पाएगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा, नौकरियां कितनी जाएगी, प्लस गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू जाता है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वो अपना एक पार्ट, एक परसेंटेज टैक्स के रूप में रेवेन्यू जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो पूरा नेशन डेवलप करता है।